सर आज आप यहाँ आए सिंध में, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आप इस समय ओबीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो सर युवाओं के लिए खेल के लिए सरकार किस तरह का, अभी फिलहाल तो जहाँ कश्मीर में कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को मौका मिल सके कि खेलों के लिए, तो उधर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं खेलों के लिए? सरकार की ओर से जो आप बात कह रहे हैं, एक खेलो इंडिया के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट की है, लेकिन जो सेंट्रल सरकार है हमारी, वो हर पंचायत में एक एक जो मॉडर्न ग्राउंड है वो बनाना चाहती है, और उसके लिए काम हो रहा है, कुछ जगह पर काम चल रहे हैं, और कुछ सारे काम तो एक साथ हो नहीं सकते हैं, लेकिन जो जो आज यहाँ पर आयोजन किया गया नगरी के अंदर, जो दंगल शहीदों के नाम पर बहुत बढ़िया दंगल हुआ, मेरा 200 पहलवान जहाँ पर आए होंगे, और सब ने अपनी अपनी जोर आजमाइश की है, और बहुत अच्छा लगा कि नगरी की जो दंगल कमेटी है उन्हें शहीदों के नाम पर जो दंगल करवाया है, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर गांव के अंदर कभी ना कभी किसी न किसी दिन जो शहीदों के लिए कभी ना कभी जो खेलें चलती रहती हैं, जैसे कि हमारे वॉलीबॉल की टूर्नामेंट होती है तो वो भी शहीदों के नामों से चलती है, क्रिकेट की होती है वो भी शहीदों के नाम से चलती है, कोई दंगल होता है वो भी शहीदों के नाम से चलता है, और बहुत अच्छी बात है कि हम शहीदों को याद करते हैं, और जो भी लोग या जो भी देश के देश हो वो जो शहीदों को याद करते हैं वो कभी पीछे नहीं रहते। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सब जो बच्चे हैं उनको कोई नशा नुशा छोड़ के हमें किसी ना किसी खेल की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जो बच्चे खेलते हैं वो नशे की ओर भी काम ही जाते हैं, मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। सर नगरी में आप एक मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए हैं, तो नगरी तहसील मुख्यालय है, तो बहुत देर से खेल मैदान की मांग रही है, जहाँ आए दिन देखिए आप राष्ट्रीय खेलों के लिए भी युवा निकल रहे हैं, अभी फिलहाल में एक लड़का आया क्रिकेट खेल के भूटान से, तो इस तरह के युवा जब उनको खेल मैदान मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ऐसा ऐसी प्रतिभा बाहर निकलेगी। पहली बात ये है कि लोगों को ग्राउंड के लिए कोई ना कोई जगह डोनेट करनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे उसका काम चलेगा। सरकार की तरफ से क्या प्रयास है जी कि उसके बाद ग्राउंड का काम जब ग्राउंड बन सकती है, लेकिन आप जब सरकार कई बार करती है कि पैसा देके भी जमीन लेती है, लेकिन लोग यहाँ पर छोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि लोगों के जो इस इलाके में की जमीन है जो वो सभी पैदावार अच्छी पैदावार करती है, इसलिए लोग वो खेल के मैदान को कम ही जगह देते हैं, लेकिन जो जहाँ पर जो दंगल हो रहा है जहाँ पर भी छोटा सा एक खेल का मैदान बन सकता है, और इसके लिए आज मुझे इन्होंने कहा है कोई मीटिंग करेंगे और वीडियो को कहेंगे कि जहाँ पर पहले एक फेंसिंग की जाए उसके बाद इसको। नगरी के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें? मैसेज देना चाहता हूँ कि नशे की ओर ना बढ़े, खेल कूद की ओर बढ़े, और जिससे आपका जो सेहत है वो भी अच्छी रह सकती है। धन्यवाद सर।